गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल TR07 राइडर। तो जैसे कि आप सब लोग मेरा न्यू कार का डिलीवरी देख चुके हो, तो अभी इस कार का रिव्यू देने के लिए आया हूँ एक बहुत ही मस्त जगह पे। मतलब बहुत ही मस्त जगह है ये, आपको एक बार जगह दिखाता हूँ। आप सबको स्वागत है एक बहुत ही फ्रेश ब्लॉग में। हेलो गाइस, वेलकम टू माई चैनल TR07 राइडर। सो दिस इज़ द ऑल न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट BS6 मॉडल 2020। दिस इज़ द टॉप वेरियंट मॉडल और इसका कलर है मेटेलिक मैग्मा ग्रे। इसका इंजन का पावर है 1197 cc। इट कम्स विथ 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वाल्व्स। दिस इज़ 1.2 लीटर इंजन और इसका फ्यूल टाइप है पेट्रोल। मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करती है 82 bhp एट द रेट 6000 rpm। मैक्सिमम टॉर्क है इसका 130 Nm एट द रेट 4200 rpm। कंपनी इसका माइलेज क्लेम करती है 21.21 km/l और ये फुल टैंक पे करीबन 784 km चलती है। दिस कार इज फ्रंट व्हील ड्राइव और इसका ट्रांसमिशन है AMT 5 गियर्स मैनुअल ओवरड्राइव। दिस इज ए BS6 मॉडल। इसका का लेंथ है 3840 mm, विथ 1735 mm, हाइट 1530 mm, व्हील बेस 2450 mm, ग्राउंड क्लियरेंस है इसका 163 mm और इसका वेट है 880 kg। इस कार का सस्पेंशन है मैकफर्सन स्ट्रट और रियर सस्पेंशन है टॉर्शन बीम। फ्रंट ब्रेक डिस्क है और रियर ब्रेक ड्रम। मिनिमम टर्निंग रेडियस 4.8 मीटर्स और ये जो व्हील आप देख रहे हैं वो कंपनी फिटेड है एलॉय और जो इसका बेस मॉडल है उस पर जस्ट नॉर्मल व्हील आता है। इसका फ्रंट टायर 185/65 R15 और रियर टायर सेम 185/65 R15। और ये इसका DRL आपको दिख रहा है कि नहीं, नहीं पता, यह बहुत डे टाइम है तो आपको रात का एक सीन दिखा देंगे, लेकिन DRL है और इसका प्रोजेक्टर लैंप टॉप वेरिएंट के साथ आता है, साथ में इंडिकेटर और यहाँ पे सुजुकी का लोगो सेम साइड यहाँ पर है और यहाँ पे हेलोजन फॉग लैंप मिलता है। तो आपको इसका बैक साइड दिखाते हैं, ये रहा इसका बैक साइड। तो यहाँ पे रियर डिफॉगर का ऑप्शन मिलता है साथ में वाइपर के साथ। तो यहाँ पे ये वाला स्विच प्रेस करने पे ये पीछे का बोनट खुल जाता है और यहाँ पे कुछ इस तरह होता है इसका पीछे का स्पेस। यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जाएंगे जो कार के साथ प्रोवाइडेड होता है और यहाँ पे एक ट्रंक लाइट मिलता है जो कि मैनुअल है, ऑन ऑफ। इसका रियर डोर खोलने के लिए माउंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिलता है विंडो अप एंड डाउन का ऑप्शन। ये टॉप मॉडल है इसलिए ये ऑप्शन मिलता है, जो इसका बेस मॉडल है उस पर आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। तो यहाँ पे लेग रूम बहुत ही अच्छा मिल जाता है, साथ में पीछे आपको मिलता है 2 हेडरेस्ट। मिडिल मैन के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं मिलता यहाँ पे, कुछ इस तरह से दिखता है इसका इंटीरियर। तो यहाँ पे एक दो
और यहाँ पे तीन हैंडल ग्रिप मिलता है आपको। तो यहाँ पे है इसका फ्रंट व्यू, ये ड्राइवर साइड। यहाँ पर आपको पूरा सब विंडो कंट्रोल करने के लिए पूरा इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे 1 लीटर बॉटल रखने के लिए स्पेस, यहाँ पे कुछ स्टफ्स रखने के लिए, और ये रहा इसका साइड मिरर एडजस्ट करने के लिए नॉब, फिर ये लॉक अनलॉक। तो ये रहा इसका फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे आपको 4 AC वेंट्स मिल जाता है, एक यहाँ पे, वो यहाँ पे, और 2 यहाँ पे, जो कि ऐसे खुलता है। फिर यहाँ पे एक 7 इंच का LCD स्क्रीन मिल जाता है जो कि कंपनी फिटेड है, और यहाँ पे ऑटो क्लाइमेट का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको AC। फिर यहाँ पे ऑटो डिमिंग नहीं मिलता मिरर्स, लेकिन आपको मैनुअल डिमिंग का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। आपको यहाँ पे रीडिंग लैम्प का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पे आपको कोई ग्लास मिरर नहीं मिलता, ना कि कोई लाइट। पैसेंजर सीट पे यहाँ पे सिर्फ आपको मिरर मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगा। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है। तो ये रहा इसका स्पीडोमीटर। तो हैंडल को आपको इस तरह से मिल जाता है, यहाँ पे थोड़ा फ्लैट मिलेगा, एक स्पोर्टी लुक देता है आपको। और यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए स्टीयरिंग व्हील पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉल आंसर करने के लिए, कॉल एंड करने के लिए, और यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के लिए ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे SRS का एयरबैग मिल जाता है, और कुछ इस तरह से सुजुकी का लोगो। और यहाँ पे कुछ स्टफ्स रखने के लिए आपका फ़ोन वॉलेट वगैरह, या ये कीलेस एंट्री है, आपको यहाँ पे की रखने के लिए जगह मिलता है। और ये इसका गियर और हैंड ब्रेक यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे गुड एनफ ऑफ स्पेस मिल जाता है कुछ स्टफ्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए। चलिए आपको बोनट दिखाते हैं गाड़ी का। तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको इंजन। यहाँ पे एक बैटरी मिलता है आपको। बहुत ही ह्यूज इंजन है इसका। यहाँ पे आपको सीट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आप सीट ऊपर नीचे कर सकते हैं, और इसको इंक्लाइन कर सकते हैं सीट को। और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको सीट आगे पीछे करने के लिए। और ये रहा इसका पेडल। यहाँ पे कोई डेट पेडल का ऑप्शन नहीं मिलता। तो चलिए गाड़ी को चला के देखते हैं। ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, आपको इसका साउंड सुनाते हैं। तो अभी ब्लूटूथ से कनेक्टेड है ये, और यहाँ पे ये प्रेस करेंगे तो गाना बज जाएगा। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। Sound is decent enough. तो चलिए इस गाड़ी को थोड़ा चला के देखते हैं सीधी सी रोड में। तो हमको सामने रोक लिया था पूजा का, क्या कुछ कलेक्ट कर रहे थे, वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे।
तो इस गाड़ी को चलाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसका हैंडलिंग बहुत ही सॉफ्ट है और गियर ट्रांसमिशन बहुत ही सॉफ्ट है। 100 टच करती है करीबन 6 सेकंड में। और इसका हॉर्न भी बहुत ही अच्छा है, बहुत लाउड है इसका हॉर्न। ये गाड़ी जब खड्डे में जाती है कुछ वाइब्रेशंस फील होती है, पता नहीं नया गाड़ी में ऐसा क्यों हो रहा है। शायद कुछ स्क्रूज वगैरह ढील होंगे, नेक्स्ट सर्विसिंग में इसको ठीक कराना होगा। और इस गाड़ी में बहुत सारा फीचर्स है, अगर आपको जानना है इस गाड़ी का फीचर्स, सेंट्रल लॉक वगैरह, सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत कुछ फीचर्स है, अगर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं एक अलग से वीडियो बना के दूंगा इस गाड़ी के लिए।